जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जातकों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, कुंडली कैसे देखे सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अंगारक दोष या अंगारक योग के बारे में। आखिर ये योग होता क्या है, ये कुंडली में कैसे बनता है, किन परिस्थितियों में ये दोष कम प्रभावशाली होता है, यदि कुंडली में ये दोष बनता है तो इसके क्या वो अचूक उपाय हैं जो जातक को करने से लाभ प्राप्त होगा। तो आइए पहले इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अंगारक योग होता क्या है। देखिए, राहु और मंगल इस योग के कारक हैं। जी हाँ, यदि राहु और मंगल कुंडली के किसी भी भाव में, 12 भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अंगारक योग उस कुंडली में बन जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केतु और मंगल के कारण भी अंगारक योग बनता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। राहु अपने साथ बैठे ग्रह की ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जबकि केतु उस ऊर्जा को सोख लेता है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। जी हाँ, इसको यदि मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली और समझाने की कोशिश करता हूँ, मंगल एक क्रूर ग्रह है और राहु क्रूर ग्रह के साथ एक पापी ग्रह भी है। तो ये मंगल की एनर्जी जो कि हम जानते हैं वो बहुत अधिक होती है। मंगल एक शुष्क और गर्म ग्रह है, राहु उसके साथ बैठकर उसकी तीव्रता को या हम कहें उसकी एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो यदि आप राहु और मंगल का कंजंक्शन अर्थात युति आप कुंडली में किसी भी भाव में देखते हैं तो ये युति अंगारक योग या दोष कहलाती है, जैसा कि आप इन कुंडलियों में देख रहे हैं। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि यदि अंगारक योग कुंडली में बनता है तो इसके जातक पर क्या प्रभाव या उसके नकारात्मक परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि हम बात करें इनके दुष्परिणामों की तो हम जनरली इनके दुष्परिणामों को नहीं बोल सकते हैं, या हम कहें कि कुंडली के सभी भावों में ये दोष जातक को एक ही तरीके का दुष्परिणाम देगा। इसमें हमें ये देखना होगा कि ये योग किस भाव में बन रहा है, उस भाव से रिलेटेड ये योग जातक को अपने दुष्परिणाम यहाँ पर देगा। और आप इसका भी ध्यान रखिए कि जहाँ भी राहु और मंगल की कॉमन दृष्टि है, देखिए ग्रहों की कितनी दृष्टि होती है, इसके लिए आप इस सीरीज के मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका दृष्टि के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो जहाँ जहाँ राहु और मंगल की कॉमन दृष्टि कुंडली में पड़ेगी, अर्थात जहाँ पर राहु देख रहा है और जहाँ पर मंगल देख रहा है उन पर्टिकुलर भाव में, वहाँ वहाँ जातक को उस भाव से रिलेटेड नुकसान देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और यहाँ जो कॉमन दृष्टि है वो है सप्तम भाव, जहाँ ये दोनों ग्रहों की युति है उससे सप्तम भाव की हम बात कर रहे हैं। तो सप्तम भाव के नकारात्मक परिणाम जातक को देखने को यहाँ मिलेंगे। बाकी सभी जगह जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहाँ राहु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में ये योग अथवा दोष जातक की कुंडली में नकारात्मक परिणाम नहीं देगा, अथवा हम कहें कि ये दोष भंग हो जाता है, अथवा हम कहें कि जातक की कुंडली में ना के बराबर ये दोष परिणाम देगा। जी हाँ, आपने राहु और मंगल की डिग्री अर्थात इन दोनों ग्रहों की पावर को देखना है कि इन दोनों ग्रहों का जो बल है वो कुंडली में कितना है। देखिए, यदि राहु की डिग्री कुंडली में 0 से 5 डिग्री है और मंगल की डिग्री कुंडली में 25 से 30 डिग्री है, या हम कहें कि मंगल की डिग्री 0 से 5 डिग्री है और राहु की डिग्री 25 से 30 डिग्री है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को ना के बराबर परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ग्रहों का जो बल है वो समाप्त हो जाता है, वो बलहीन हो जाते हैं। तो ये थी वो परिस्थिति जिसमें जातक को ना के बराबर परिणाम यहाँ इस दोष के जो नकारात्मक परिणाम है वो यहाँ जातक को नहीं देखने को मिलेंगे, या ना के बराबर यहाँ जातक को देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली का। देखिए, इस कुंडली में राहु और मंगल प्रथम भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ राहु और मंगल प्रथम भाव के परिणामों को खराब कर देंगे, अर्थात ऐसा जातक बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा, ऐसे जातक बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा।
ऐसा जातक स्पोर्ट्स में, हेल्थ रिलेटेड बिजनेस में, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत अधिक आगे निकल सकता है, स्पेशली मंगल की महादशा अथवा राहु की महादशा के दौरान। इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। परंतु ऐसे जातक की जो मैरिड लाइफ है यानी कि दाम्पत्य जीवन जो है बहुत खराब रहता है। ऐसे जातक की मैरिड लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो पाती, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत परेशानियां रहती हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक का अंत में डाइवोर्स भी हो जाता है। और यदि मंगल अथवा राहु की महादशा जातक पर विवाह के तुरंत बाद ही आ जाती है, मान लीजिए जातक का विवाह हुआ और उसके तुरंत बाद अर्थात 1 साल बाद या 2 साल बाद राहु या मंगल की महादशा ऐसे जातक पर आ जाती है, तो ऐसे जातक का डाइवोर्स विवाह के तुरंत बाद ही हो जाता है। ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस कंजंक्शन का, या हम कहें इस युति का सबसे नकारात्मक परिणाम ये ही हमें देखने को मिलता है प्रथम भाव में। देखिए मंगल और राहु की युति किस भाव में जातक को क्या परिणाम देगी, इसका वीडियो सीरीज में अलग से बनाऊंगा, उसमें हम इन सब परिणामों पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में ये युति क्या परिणाम जातक को देगी। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में यदि अंगारक योग बन रहा है तो कोई भी उसको देख के कह दे भाई आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। हमें ये देखना होगा कि वो जातक के कौन सी कुंडली के किस भाव में राहु और मंगल की युति है, एक बात समझ लीजिए, उस भाव से रिलेटेड और उसके सामने वाला जो भाव है अर्थात सप्तम भाव से रिलेटेड जो दुष्परिणाम बस जातक को देखने को मिलेंगे, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी वीडियो सीरीज में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि ये दोष जातक की कुंडली में है तो क्या वो अचूक उपाय हैं जो जातक को करने से जिनसे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए ये उपाय आपको जीवन के हर पहलू में लाभ पहुंचाएंगे। यहाँ पर जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो उपाय आपको कुंडली में यदि कहीं पर भी अंगारक योग बनता है तो आपको लाभ अवश्य पहुंचाएंगे और जीवन के हर पहलू में अर्थात आपके कैरियर में, आपके व्यवसाय संबंधित, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित, आपकी मैरिड लाइफ को लाभ पहुंचाएंगे। तो आइए बात करते हैं इन उपायों की। देखिए पहला उपाय आपने क्या करना है, आपने तांबे का एक कड़ा अर्थात कंगन तैयार करवाएं और इसे दाहिने हाथ की कलाई पर पहने। पर इस तांबे के कड़े को पहनने से पहले आपने उसे एक रात गंगा जल में भिगो कर रखना है और अगले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के पश्चात मंगल के बीज मंत्र का जाप अर्थात ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स भौमाय नमः के जाप की 5 माला आपने करनी है। उसके पश्चात आपने इस कड़े को अपने दाहिने हाथ की कलाई में पहनना है। देखिए दूसरा उपाय आपने क्या करना है, आपको हर मंगलवार को व्रत रखना है। स्पेशली यदि आपकी मंगल की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही है तो आपने व्रत अवश्य रखना है। तीसरा उपाय आपने क्या करना है, आप हर मंगल सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करने के पश्चात हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने मंगल के बीज मंत्र के जाप की माला 7 बार करनी है और आपने वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़नी है, इसका आपने ध्यान रखना है। चौथे उपाय की यदि हम बात करें तो आपको हर मंगलवार लगातार 51 मंगलवार को 11 हनुमान चालीसा का दान करना है। हो सके तो आप अलग अलग मंदिरों में भी इसका दान कर सकते हैं। पांचवें उपाय की यदि हम बात करें तो आपको मीट और शराब अर्थात मीट मांस और शराब आदि से आपने दूर रहना है। छठे उपाय की यदि हम बात करें तो आपको हर 6 महीने में अपना ब्लड डोनेट करना है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, आपने अपना ब्लड डोनेट करना है हर 6 महीने बाद। सातवें उपाय की यदि हम बात करें तो आपको हर महीने मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के दिन जो कि मंगल के नक्षत्र हैं आपको कोई एक दिन महीने में चूज करना है और उस दिन आपको किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करना है और ये दान आप लगातार हर महीने करते रहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि हम आठवें उपाय की बात करें तो आप हर शनिवार भैरव जी के मंदिर जाएं, वहां एक दिया आपने जलाना है और वहां बैठकर आपने राहु के बीज मंत्र का जाप करना है जो है ओम ब्रह्म ह्रीम रोम सैरावे नमः। इस मंत्र के जाप आपने 108 बार करना है, वहीं बैठकर मंदिर में बैठकर आपने ही करना है। इसका ध्यान रखिए कि यदि आप पर राहु की महादशा चल रही है अथवा राहु की अंतर्दशा चल रही है
तो आपको बीज मंत्र के जाप की माला 5 बार वहीं मंदिर में बैठकर करनी है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो देखिए ये थे वो अचूक उपाय जो किसी भी जातक की कुंडली में यदि अंगारक योग है, इन उपायों को करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु चंडाल दोष क्या, गुरु चंडाल योग के बारे में, आखिर ये योग क्या होता है, कैसे ये योग कुंडली में बनता है और इस दोष या योग के क्या वो अचूक उपाय है जिनसे जातक को लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इन सब पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।